शोपिया फायरिंग केस में मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस। मस्कट में पीएम मोदी की शिव भक्ति, मंदिर के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे, स्वदेश के लिए पीएम रवाना। दिल्ली फिर हुई शर्मसार, चलती बस पे डीयू की छात्रा के साथ छेड़खानी। श्रीनगर में सुजवा जैसे हमले की कोशिश नाकाम, AK-47 से लैस आतंकियों को सीआरपीएफ ने खदेड़ा। सुजवान हमले में गोलियां बरसाते आतंकियों से निहत्ते भिड़े सूबेदार मदन लाल, अपने परिजनों की बचाई जान। सुजवा आर्मी कैंप पर हमले में बड़ा खुलासा, 10 महीने से सक्रिय थे, मारे गए तीनों आतंकी। आतंकी हमले में गर्भवती महिला ने बच्ची को दिया जन्म, कहा जान बचाने के लिए सेना का शुक्रिया। ओवैसी ने की राम मंदिर का पक्ष लेने वाले नदवी के सामाजिक बहिष्कार की अपील, कहा बाबरी मस्जिद के जमीन से अधिकार छोड़ने पर दूसरे मस्जिदों से धोना पड़ेगा हाथ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिन में सेना तैयार करने वाले बयान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत पर हमला बोला। भागवत के बयान पर संघ की सफाई, संघ ने कहा भागवत के बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया गया। दुनिया का 12वां सबसे धनी शहर बना मुंबई, 950 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ टोरंटो पेरिस से भी आगे। जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह से हो रही भारी बर्फबारी, कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग को बंद कर दिया गया। ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाना आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है, पुलिस ने ताजमहल के करीब ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का फैसला लिया। पैडमैन के बाद मिल्कमैन बनेंगे अक्षय कुमार, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जीवनी पर बन रही फिल्म में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं अक्षय। देशभर में पकौड़े आजकल बड़े चर्चा में हैं, अब बीजेपी इसी पकौड़ा पॉलिटिक्स को भुराने में जुट गई है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के ए ब्लॉक में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग से 3 मंजिला जूता फैक्ट्री जलकर खाक। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में भयानक आग, फैक्ट्री में रह रहकर कई धमाके। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 इलाके में एक तेज रफ्तार चलती बस ने कार को टक्कर मारी, 6 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से जख्मी। नोएडा में योगी सरकार के दखल के बाद प्राधिकरण ने 14 बिल्डर्स की परियोजनाओं का ऑडिट कराया, रिपोर्ट में बिल्डर्स के खान उजागर होने के बाद प्राधिकरण ने 11 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया। जाटों के अमित शाह रैली को लेकर डीएसपी जगदीश काजला ने अहम बैठक की, डीएसपी ने कहा कि तीसरी आंख में रखी जाएगी शरारती तत्वों पर नजर। 3 में स्कूल का भंडाफोड़ हुआ, जिसके पास मान्यता प्राप्त के कोई कागज नहीं थे, शिक्षा विभाग ने पुलिस में इस बाबत शिकायत की। भिवानी के गांव अलकपुरा में 8 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल का एस्ट्रो ट्रफ बनाया जाएगा, विदेशी तर्ज पर जिम का भी निर्माण। नरवाना के शास्त्री नगर इलाके के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर, लोगों में आक्रोश। गोहाना में रुक रुक के बारिश से तापमान में गिरावट आई है, वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी है।